हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं जो कि रेलवे का आई टेस्ट होता है, मेडिकल में आई टेस्ट। तो आई टेस्ट से रिलेटेड मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा इस वीडियो में, और उस फोटो के साथ जो कि जहाँ पर मेरा आई टेस्ट हुआ रेलवे में, क्योंकि मेरा इस बार खुद चेक हुआ है रेलवे का। तो मैं अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि रेलवे में आई टेस्ट में क्या क्या चेक होता है और कैसे चेक किया जाता है, और सारी मशीनें की फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, और अंदर की जो हॉल की जो वहाँ पे आई टेस्ट हुआ था वहाँ का भी सीन दिखाऊंगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप जाएंगे डीबी होने के बाद से, रेलवे का जब डीबी हो जाता है तो डीबी होने के बाद से नेक्स्ट डे ही आप लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट के लिए जैसे ही बुलाया जाएगा आप लोगों को, तो आप लोगों को जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल दिया होगा वहाँ पर आप लोग रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद जब जैसे ही आप लोग हॉस्पिटल खुलेगा, एंट्री लेंगे आप लोग, उसके बाद से आप लोगों को जो भी ग्रुप बनाया गया होगा आप लोगों को हॉल में लेके जाया जाएगा सारे कैंडिडेट को। और सारे कैंडिडेट को ले जाने के बाद से हॉल में फॉर्म दिया जाएगा। तो फॉर्म कुछ इस प्रकार के से रहेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा आउट पेशेंट रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा गया है। और देखिए एनी रेलवे यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये गोरखपुर जोन का है, गोरखपुर जोन का ये फॉर्म ऐसा है, मतलब सारे जोन का फॉर्म ही ऐसा ही रहता है मेडिकल टेस्ट के लिए आए तो ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा ऐसा ही कुछ। तो उसमें आप लोगों को सारे डिटेल्स भरने हैं, यहाँ पे अपना नाम, उसके नीचे फादर नेम लिख देना है, यहाँ पे एज लिख देना है, उसके बाद से यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है आपको लिख देना है, और यहाँ पे डेट लिख देना था। और लिखने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी दो चीज़ लगा, यहाँ पे मतलब कि स्टम्प लगा हुआ था, जैसे कि यहाँ पे चेस्ट एक्सरे का और यूरिन टेस्ट का। तो यूरिन टेस्ट एक्सरे भी यहाँ पे लगा था, यूरिन टेस्ट लगा था, और हम लोगों को बोला गया कि आप लोग उसके नीचे लिख दीजिए हाइड्रोसिलिया हर्निया और उसके नीचे लिख दीजिए लेसिक। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोसिल हर्निया और लेसिक लिख दिया, और उनको बोला गया कि आप लोगों का जो भी कट मार्क फॉर्म में भरे थे, फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम पे वाला कट मार्क आप लोग यहाँ पे देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कट मार्क दे दिया है, एक कट मार्क ऑन लेफ्ट लेग, एक कट मार्क ऑन राइट लेग, सॉरी एक कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, एक कट मार्क ऑन लेफ्ट लेग, दोनों मैंने भर दिया था, यहाँ पर दिया गया था, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए मैं भर दिया, और यहाँ पे सिग्नेचर लगे और यहाँ पे लेफ्ट थंब लगा, तो ऐसा कुछ फॉर्म दिया गया था। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को लेकर जाना होगा जहाँ पे लेसिक चेक होता है, और जो भी आप ग्रुप के हेड होंगे वही सारा कुछ चेक करवाएंगे, जहाँ जहाँ लेके जाएंगे आप लोग वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेसिक चेक हुआ, लेसिक चेक करने वाली मैं आप लोगों को मशीन दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेसिक चेक करने वाली मशीन दिखा दे रहा हूँ। तो ये रहा लेसिक चेक करने वाली मशीन, ऐसा ही कुछ मशीन आप लोगों का जो भी रेलवे का मेडिकल टेस्ट होगा तो लेसिक चेक किया जाता है इसी मशीन से। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को चिन्ह रखना है, जो भी आपका माउस होता है ना उसके नीचे का चिन्ह जिसे बोला जाता है उसे यहाँ पर रखना है, और इसमें से उधर से डॉक्टर, यहाँ से डॉक्टर दोनों अपने आँखों से एक एक करके एक एक आँखों से देखेंगे, और इस यहाँ पर कुछ लगा हुआ है यहाँ से उधर से दिखाई देगा, इधर से उनको जो चेक करना होगा अपना चेक कर लेंगे। आपको यहाँ पर मुंह रखना है, इसके सामने बैठना है, यहाँ पे डॉक्टर बैठेंगे, और इसके सामने एक लेफ्ट राइट करने वाला नीचे दिया गया है, उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ जूम आउट करके। देखिए इससे क्या होता है ना, इससे इधर उधर मशीन को घसकाया जाता है, फिर घसका कर जो भी उनको चेक करना होगा साइड में करके लेफ्ट लेना होगा, इधर 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 लेके जाना होगा, इधर करके लेके चले जाएंगे वो लोग। और यहाँ आगे में एक चीज़ था उनको, मतलब कि मशीन को अंदर से कुछ रोटेट करने वाला चीज़ आगे से गियर टाइप का था यहाँ पे कुछ, उनको अब पता नहीं है नाम हमें भी, वो अपना जो भी चेक करना होता था चेक करते थे इससे। तो इस मशीन से आपका लेसिक चेक हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोगों को लेसिक चेक करने वाली मशीन। तो यहाँ से लेसिक चेक हुआ, सबसे पहले जिन भी कैंडिडेट का लेसिक सर्जरी कोई नहीं हुआ था इससे, इस मशीन से यही देखा जाता है कि आपने कभी भी लेसिक सर्जरी करवाया है या नहीं। अगर लेसिक सर्जरी करवाए होंगे तो आपको इस मशीन से चेक करने में पकड़े जाएंगे, अगर नए नॉर्मल कैंडिडेट होंगे आपका कोई सर्जरी नहीं हुआ होगा आँख में तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें से, नॉर्मली सारे कैंडिडेट पास हो गए हमारे ग्रुप के, तो किसी ग्रुप का आई का लेसिक सर्जरी नहीं हुआ था ना प्रॉब्लम किसी का आया, तुरंत चेक करते गए और लाइन बाई लाइन सारे कैंडिडेट पास कर गए। अब लेसिक चेक हुआ, लेसिक चेक होने के बाद से आप सीधे लेके जाया जाएगा आई टेस्ट जिसमें होता है उस हॉल में जहाँ डिस्टेंस जो निर्गत है, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ वहाँ का भी। देखिए सबसे पहले उसमें क्या क्या चेक होता है।
देखिए, एक वो वाला फॉर्म दिया गया था और उसी के साथ में एक ये फॉर्म दिया गया था और इसके नीचे एक आधार कार्ड, तीन जो लगाना था हमें, तीनों फॉर्म दिया गया, दो फॉर्म दिया गया और एक आधार कार्ड का जीरोक्स लगाना था, यहाँ पर लगा दिए गए। और आई से रिलेटेड देखिए यहाँ पे सारे दिए गए, क्या क्या चेक किए जाएंगे आई टेस्ट में और क्या क्या चेक नहीं किए जाएंगे। तो इस फॉर्म जो दो दो फॉर्म आपको दिया जाएगा उसी में नीचे वाले फॉर्म में, ये छोटा वाला फॉर्म था उस चीज़ के लिए, एक्सरे उसे लेके यूरिन के लिए, यूरिन 30+ वालों का चेक हो रहा था और लेसिक पे सबका चेक हुआ। अब उसके बाद से नीचे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आई टेस्ट में दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर में आई टेस्ट से रिलेटेड सारे मेडिकल टेस्ट, क्या क्या टेस्ट किए जाएंगे आई से। देखिए ये राइट आइज के लिए है, ये लेफ्ट आइज के लिए है, और यहाँ से देखिए डी में नियर विजन और यहाँ पे ऊपर में डिस्टेंस विजन दोनों दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस विजन है ना, और यहाँ पे नियर विजन दोनों चेक किया जाएगा। उसके बाद जितना भी आएगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बाद से आपका कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है, A1 है, A2 है, A3 है, क्या क्या चेक किया जाएगा। जैसे कि A1 में देखिए क्या क्या चेक किया जाएगा, ये सिहारा टेस्ट भी किया जाएगा A1 में, और उसके बाद A2 में भी सिहारा टेस्ट किया जाता है, उसके बाद A3 में सिहारा टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन B1 B2 C1 इन तीनों में से किसी में सिहारा टेस्ट नहीं किया जाता है। जिसके अभी आगे भी कट मार्क लगा है ना, ये वो उस मेडिकल स्टैंडर्ड में चेक नहीं किया जाता है। तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में सारा कुछ चेक किया जाता है, देखिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में कहीं कट मार्क लगा है, नहीं लगा है, तो इसमें सारा चीज़ चेक किया जाता है। और A2 में देखिए, A2 में कई जगह कट मार्क लगा है, जैसे यहाँ पे कट मार्क लगा है ना, इसमें देखिए यहाँ पे फील्ड ऑफ विजन चेक नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कट मार्क लगा है, ना A2 में चेक किया जाता है, ना A3 में, ना B1 में, ना B2 में, ना C1 में, किसी में चेक नहीं किया जाता है। जिसके आगे कट मार्क लगा है वो समझिए उसमें चेक कौन चीज़ नहीं होता है। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में सब में चाहिए फॉगिंग टेस्ट, फॉगिंग टेस्ट केवल A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में होता है, A2 में फॉगिंग टेस्ट नहीं होता है, उसके बाद फिर C3 मतलब उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं होता है। फिर सब हम लोग का तो इसमें बस नॉर्मली चेक किया जाए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में वही पोस्ट में एक हाईएस्ट जो मेडिकल स्टैंडर्ड है असिस्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए, असिस्टेंट अपॉइंटमेंट का मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 मांगा गया है, और वही डायरेक्ट सभी कैंडिडेट का A2 ही चेक किया जा रहा था। तो देखिए A2 में हम लोग का क्या क्या चेक हुआ, इशिहारा हुआ, EGL हुआ, नाइट विजन हुआ, फील्ड विजन हुआ, फील्ड विजन भी हुआ, हाँ हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं फोटो में भी, बाइनोकुलर विजन में भी चेक किया गया, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए बाइनोकुलर विजन बिल्कुल भी खाली है A2 में, देखिए यहाँ पे बाइनोकुलर विजन भी चेक किया गया। उसके बाद से हम आप लोगों का अब हम डायरेक्ट आपको जहाँ पे आई टेस्ट डिस्टेंस विजन नियर विजन सब चेक किया गया वहाँ का भी मैं फोटो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर चेक किया गया था। तो ये देखिए यहाँ पे आई टेस्ट में आप लोग का डिस्टेंस विजन, नियर विजन, बाइनोकुलर विजन, जो कलर ब्लाइंडनेस, सारा कुछ इसी में चेक किया जाएगा यहीं हॉल से। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोग दिखा, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ना बड़ा सा, ये है डिस्टेंस विजन चेक करने वाला, कितना बाई कितना का आपका आँख है, इसमें से आपका डिस्टेंस विजन चेक किया जाएगा। मैं आपको जूम आउट करके दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर बैठाया जाएगा, देखिए यहाँ पर नीचे में, देखिए यहाँ पर 6 लिखा है ना, तो 6 मीटर की दूरी से यहाँ पर देखिए नीचे में 6 लिखा है, 6 मीटर की दूरी से यहाँ पे देखिए, और ये टेबल आपका यहाँ पर रख दिया जाएगा, और यहाँ से आपको इसमें पढ़वाया जाएगा जो है ना, ये इसमें पढ़वाया जाएगा, डायरेक्ट 6x6 वाला ही चेक किया गया था हम लोगों का, और वही डायरेक्ट पढ़वाया भी गया। मैं आप जूम करके दिखा दे रहा हूँ कंप्लीट, आप लोगों को दिखाई दे देगा, देखिए यहाँ पे सारा सारा दिखाई दे रहा है ना, इसमें सबसे नीचे वाले, इसमें देखिए सबसे नीचे वाले में जो है ना, यहाँ पे ये 6x5 वाला है, ये जो 6x5 वाला सबसे नीचे वाला, उसके ऊपर 6x6 है, उसके बाद 6x9 है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सारा ये चीज़ था, और डायरेक्ट हम लोगों से 6x6 ही पढ़वाएगा। और इसमें सी लिखा गया था, इसमें एक ढक्कन टाइप का था उसको हटाने पर दिखाई दे रहा था, और पीछे से वो घुमा रहे थे इस मशीन के पीछे से हाथ डाल के घुमा रहे थे, किधर मुँह खुला, इसका किधर मुँह खुला, अब किधर गया, अब किधर मुँह खुला है, मतलब बताना था, केवल सी ही इसमें था। और ये वाला था आप लोगों का कलर चेक करने के लिए, और ये भी था नाइट विजन चेक करने के लिए, जो नाइट में चेस्ट पूरे कमरे का लाइट ऑफ कर दिया गया, और कमरे का लाइट ऑफ करके इसमें से लाल, हरा, नीला, पीला, ब्लू, वाइट करके पढ़वाया गया, वहीं 6 मीटर की दूरी से पढ़वाया गया था। तो यहाँ पर, और यहाँ पर डॉक्टर बैठे थे, यहाँ पर डॉक्टर ने जो भी था चेक करना चेक किया, और उसके बाद से ये सब चेक करने के बाद, और उसके बाद से बुलाए यहाँ पर बैठाए हम लोगों को, यहाँ पर टेबल लगा था, और उसके बाद से कलर ब्लाइंडनेस वाली बुक पढ़वाई गई, जिसे कलर ब्लाइंडनेस वाली बुक रखी है, इसमें से कलर ब्लाइंडनेस पढ़वाया गया हम लोगों का।
एक एक करके कलर ब्राइटनेस पढ़वाएगा, जिनका कलर ब्राइटनेस प्रॉब्लम था उन लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, प्रॉब्लम पकड़ी जा रही थी कलर ब्राइटनेस की, और जिनका कलर ब्राइटनेस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, नॉर्मल आई सी में उनका फिट कर दिया गया, और यहाँ से आई सी एस में यही कोई टेस्ट हुआ है सारा ग्रुप बी के पोस्ट के लिए एक मेडिकल टेस्ट में। तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया कैसे कैसे क्या क्या चेक हुआ है आई सी एस में, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को ले आया हूँ ले आके आ रहा हूँ कि अगर मेडिकल में आप लोगों को डी एम सी दे दिया जाए, यानी कि डिविजनल मेडिकल कमेटी डी एम सी बैठ गए, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या आपको फेल कर दिए जाएंगे, डी एम सी मिलने का कारण क्यों किया जाता है डी एम सी, मैं कम्प्लीट वीडियो इस पर लेके आऊँगा एक, और इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो, और उसके बाद से हम इसमें ग्रुप बी से रिलेटेड रेलवे से रिलेटेड मैं इस पर अपने चैनल पर सारी वीडियो एक एक करके अपलोड करने जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं अपना खुद का फुल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा यहाँ पर अपने इस चैनल पर।